नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं वेब ट्रिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को PACL रिफंड फॉर्म को भरने के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर लॉगिन को प्रॉब्लम को लेकर। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है योर PACL नंबर इज नॉट फाउंड या फिर एरर करके आ रहा है, कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, वो फिलअप होगा या नहीं होगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ और इसी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं मैं सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो दोस्तों अगर आप जैसे यहाँ पर लॉगिन नंबर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, पासवर्ड इंटर कर रहे हैं और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको मैसेज आ रहा है प्री रजिस्टर्ड योर PACL नंबर या फिर आपको योर PACL रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड करके आपको एरर आ रहा होगा। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है होम पेज पे, यहाँ पे आपको PACL का होम पेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है थर्ड सेक्शन में, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, FAQ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। और दोस्तों आप हिंदी या इंग्लिश में इसका जो है कि FAQ है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम हिंदी में डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप सभी के लिए ही है जो लोगों का यह एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे क्या एरर है। यदि यह एरर मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार PACL नंबर मौजूद नहीं है तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों जो लोगों को ऐसा एरर मैसेज आ रहा है तो उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यह जो है कि हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यदि आपके पास PACL द्वारा जारी किए गए मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र और मूल बकाया रसीद है, जितनी भी आपके पास रसीद है और आपको जो है कि एरर शो कर रहा है, तो उसको दोस्तों आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पे अभी ईमेल आईडी दिख रहा है। आपको दोस्तों सिंपली इस ईमेल आईडी पे आपको जो है कि अपना PACL का बॉन्ड रसीद फोटो पासबुक जितने भी चीज़ें हैं आपको जो है कि इनके स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेज देना। आपको दोस्तों 2 से 3 दिन में बाद आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर 2-3 दिन बाद भी आपको और आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप दोस्तों सेबी के नंबर पे या फिर इसके FAQ के लास्ट में जो नंबर दिया गया है यहाँ पे हम आपको दिखा देते, तो इस नंबर पर आप जो है कि कॉल करके अपना शिकायत पूछ सकते हैं या फिर क्या ऐसे में क्या करें उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको मेल करना है, उसके बाद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यह दोस्तों एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था। जो लोग अगर इसको नहीं पढ़े तो दोस्तों उसको जो है कि एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लें, आपके सारे क्वेश्चन आंसर इसी में मिल जाएंगे। दोस्तों इससे ज़्यादा आपके कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको जो है कि इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्योंकि सुबह से बहुत सारे लोगों ने पूछ चुका है कि सर PACL के मैं जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो वहाँ पे दोस्तों एरर शो करता है, तो इसके बारे में कोई वीडियो बनाए, तो उसी के बारे में मैं आप सभी को वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपको यहाँ पे जो है कि सारा एरर मैसेज सारी चीज़ें आपको इसी के बारे में बता दिया गया है, इसी FAQ में बता दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है कि सारे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल जाए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।